बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल, किस आइनी तरमीम के ज़रिए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? जवाब, दूसरी। आइन की किस तरमीम के ज़रिए सदर के असम्बली तोड़ने के अख्तियार ख़त्म किए गए? आठवीं, तेरहवीं, अठारहवीं, इक्कीसवीं? जवाब, अठारहवीं। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? कायदे आज़म, इलामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, सिकंदर मिर्ज़ा? जवाब, सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? कायदे आज़म, इलामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, सिकंदर मिर्ज़ा? जवाब, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? मोहसिन मलक, इलामा इकबाल, हफीज़ जलंधरी, चौधरी रहमत अली? जवाब, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? मिर्ज़ा गालिब, इलामा इकबाल, हफीज़ जलंधरी, चौधरी रहमत अली? जवाब, हफीज़ जलंधरी। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? अकाब, शाहीन, चकोर, कबूतर? जवाब, चकोर। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? चीता, शाहीन, शेर या मारखोर? जवाब, मारखोर। पाकिस्तान ने 1958 में ग्वादर किस मुल्क से ख़रीदा था? ईरान, अमान, कतर, दुबई? जवाब, अमान। पाकिस्तान के शुमाली इलाके क्या कहलाते हैं? दुनिया की छत, दुनिया की चोटी, दुनिया की पनागा, दुनिया का तीसरा कुतब? जवाब, दुनिया का तीसरा कुतब। दुनिया के दो कुतब हैं, शुमाली और जनूबी कुतब। पाकिस्तान के शुमाली इलाके दुनिया का तीसरा कुतब कहलाते हैं। किस आयन में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया गया? आयन 1952, आयन 1956, आयन 1962, आयन 1973? आयन 1973 में। पाकिस्तान स्क्वैश का आलमी कप कितनी बार जीत चुका है? 8 बार, 10 बार, 12 या 14? जवाब, 14। पाकिस्तानी मुआशियत के किस शोबे का GDP में सबसे ज़्यादा हिस्सा है? ज़राअत, सनत, खिदमात, तिजारत? जवाब, खिदमात। पाकिस्तानी मुआशियत का कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है? ज़राअत, सनत, खिदमात, तिजारत? जवाब, ज़राअत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील सैफ़लमलूक, अताबाद झील, कैंजर झील, मंछर झील? जवाब, मंछर झील। मुदरजा ज़ैल आलमी तनजीमों में से पाकिस्तान किस तनजीम का रुकन नहीं है? अक्वामे मुत्तहदा, शंघाई तावन तनजीम, सार्क, G20? जवाब, G20। तो जिसको इन सवालों के जवाब आते हैं प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी लिखें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हमारे पाकिस्तान में जनरल नॉलेज के कितने जवान मौजूद हैं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।